1 अप्रैल 2022 से भारत का न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2022 को भारत का न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार देश चलाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए, लगभग $200 बिलियन का कर्ज लेने वाली है। इस बात की घोषणा भारत सरकार ने फरवरी 2022 में बजट के दौरान की थी। भारत सरकार ने बजट में बताया था कि वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 39.45 लाख करोड़ रुपीस देश में खर्च करेगी, पर सरकार के पास इस समय सिर्फ 22.84 लाख करोड़ रुपीस है। तो जो 16-17 लाख रुपए का गैप बन रहा है, उसमें भारत सरकार 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी और बाकी का 1-2 लाख करोड़ रुपए डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा जुटाएगी। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत सरकार ने 10.46 लाख करोड़ रुपीस बोरो किए थे, पर इस साल भारत सरकार पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा बोरो कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो देश का कर्ज बढ़ा रही है, कहीं फ्यूचर में हमारा हाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह तो नहीं हो जाएगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में डिटेल से और आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार देश चलाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज क्यों ले रही है, कहीं इतना कर्ज लेके देश डूब तो नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं। कर्ज एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के कोई भी इंसान खुश नहीं होता है, चाहे वो लेने वाला हो या फिर देने वाला हो। पहले कर्ज सिर्फ इंडिविजुअल मतलब इंसान लिया करते थे, पर धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के समय की बात करें तो कर्ज एक इंसान भी ले सकता है, एक कंपनी भी ले सकती है और अब एक देश भी ले सकता है। तो आज हम जानेंगे कि देश कर्ज क्यों लेते हैं। अगर किसी भी देश को ग्रो करना रहता है पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते तो वो देश पैसे बोरो करता है, फिर उन पैसों से देश में रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज और भी बहुत सी चीजें बनाता है, जिससे उसके देश में कमाई का जरिया बढ़ सके, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ सके और जो पैसे उसने कमाए हैं उन पैसों से वो कर्ज चुका सके। भारत के साथ भी यही हाल है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पर भारत के खर्चे बहुत ज्यादा है और कमाई कम है। तो देश की डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए और भी तमाम चीजों के लिए देश को पैसा चाहिए। तो इन कारणों की वजह से भारत कर्ज लेता है। आज के समय की बात करें तो हर देश के ऊपर कर्ज है, किसी के ऊपर ज्यादा है तो किसी के ऊपर कम है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देश कर्ज क्यों लेते हैं और भारत कर्ज क्यों लेता है। भारत की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी। बोरोइंग से ये मत समझ लेना कि भारत सरकार सीधे वर्ल्ड बैंक, IMF से पैसे मांगेगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है तो उसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 10-15 सालों के लिए बॉन्ड इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से पैसा मार्केट से उठाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के शुरुआत के 6 महीनों में भारत सरकार 15 लाख करोड़ रुपए में से 8.45 लाख करोड़ रुपीस बोरो करेगी और बाकी के पैसे अगले 6 महीनों में बोरो करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को कोई इतना पैसा क्यों देगा। तो देखो, कर्ज देते समय इन्वेस्टर उस देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि अगर इस समय पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड इशू करेगा तो उसे 7, 8 या 9% इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने से पहले डरेंगे, पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। जब भारत इंटरनेशनल लेवल पे बॉन्ड इशू करेगा तो वो 3-4% इंटरेस्ट रेट देगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। भारत के पास बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में भारत की क्रेडिट रेटिंग बहुत इंप्रूव हुई है, तो भारत बहुत बेहतर शर्तों पे लोन उठा लेगा। इसके अलावा इस साल भारत $256 बिलियन पुराने कर्ज चुकाने वाला है। पाकिस्तान की GDP का 80% तो भारत इस साल लोन ही चुका देगा। भारत सरकार ने 10-12 साल पहले जो बॉन्ड इशू किए होंगे उनमें से बहुतों की ड्यू डेट इस साल खत्म होने वाली है। तो इसी के चलते भारत सरकार इस साल $256 बिलियन की लोन की पेमेंट करेगी और ये चीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी देखेंगे और इससे उन्हें लगेगा कि उनका पैसा भारत में डूबेगा नहीं, क्योंकि भारत अपने पुराने लोन की पेमेंट करता है। भारत सरकार लोन की पेमेंट के लिए फॉरेक्स रिजर्व का यूज कर रही है। पिछले 1-2 महीनों से आपने नोटिस किया होगा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहा है और उसका मेन कारण भारत अपनी पुरानी लोन की पेमेंट कर रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार $256 बिलियन के पुराने लोन की पेमेंट करेगी और $200 बिलियन के न्यू लोन बोरो करेगी। अब आप जानना चाहोगे कि भारत के ऊपर इस समय टोटल कितना कर्ज है, तो वो बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ।
देखो, कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डेट और एक होता है इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट मतलब वो कर्ज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक या फिर दूसरे देशों से लिया जाता है। इंटरनल डेट मतलब वो कर्ज जो देश के बैंक, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक से बोरो किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन दोनों को मिला के देश का टोटल डेट देखा जाता है। इस समय भारत का टोटल डेट 220 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर, 86% ऑफ इंडिया जीडीपी, जिसमें से भारत का इंटरनल डेट 2 ट्रिलियन डॉलर का है, 66% ऑफ जीडीपी, और भारत का एक्सटर्नल डेट 614.9 बिलियन डॉलर है, 20% ऑफ जीडीपी। इंटरनल डेट से ज्यादा कंसर्न गवर्नमेंट को एक्सटर्नल डेट की होती है, क्योंकि इंटरनल डेट को हम कभी भी सुलझा सकते हैं, वो अपने देश का ही डेट होता है। पर एक्सटर्नल डेट में देश बाहर से पैसे बोरो करता है, उसमें बहुत से टर्म्स इंक्लूड रहते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है और उससे क्रेडिट रेटिंग पे भी बहुत असर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी में एक्सटर्नल डेट का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी एक्सटर्नल डेट सिर्फ 20% है भारत की जीडीपी का। पिछले कुछ सालों में भारत का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020 में भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 68% के आसपास था, जो अभी इस समय 86% हो गया है, और ये हुआ है कोविड के चलते। कोविड के चलते भारत का डेट एकाएक बहुत बढ़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड के दौरान देश भर में कई महीनों तक लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों का काम धंधा बंद था, सरकार के पास टैक्स भी कम आ रहा था, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था। उल्टा भारत सरकार ने बहुत से रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे, तो इसके चलते भारत का डेट बढ़ गया। देखो, ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण सिर्फ भारत का कर्ज बढ़ा है, कोविड के चलते हर देश का कर्ज बढ़ा है। और इसके अलावा कोविड के चलते बहुत से देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिली है। भारत के पड़ोसी देशों का एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि भारत के पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व थे, जिनके दम पे भारत ने कर्ज उठा लिया और कोविड के समय सही से उन पैसों का यूज किया, जिसके चलते भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति नहीं आई। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कर्ज का बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नहीं होगी, क्योंकि भारत का ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो 86% है, पर भारत का एक्सटर्नल डेट उसकी जीडीपी का सिर्फ 20% है। इसके अलावा भारत का फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, तो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। बार्कलेस कैपिटल की माने तो भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि वो अगले 12 महीने तक इम्पोर्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया है कि भारत का पब्लिक डेट भी स्टेबल है और उसका इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी लो है। कई डेवलप देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ज्यादा होता है, मतलब जितनी देश की जीडीपी नहीं होती है उतना उन देशों ने कर्ज ले रखा है, तो इनके कंपैरिजन में भारत का डेट बहुत अभी स्टेबल पोजीशन में है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।